हे ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और सेफ होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि समर्स आ चुके हैं और जो लड़कियां हैं वो बिना मेकअप का बाहर तो नहीं जाती, तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ फॉर ऑयली स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन वाले मेरा ये वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया अपडेट वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसे कि समर्स में ऑयली स्किन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है। ऑयली स्किन होने के कारण हमारा जो स्किन है एक्ने एंड पिंपल से भर जाता है। हमारा जो भी क्रीम है, फाउंडेशन है, जो भी हम अप्लाई करते हैं हमारे स्किन में, वो बेअसर हो जाता है और हमारे मेकअप को बाय बाय कहना पड़ता है। इस लड़कियों के साथ साथ लड़के भी ऑयली स्किन से परेशान रहते हैं। वैसे अच्छा हुआ कि मेरा ड्राई स्किन है। लड़के भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और उनको समझ नहीं आता कि हम क्या करें ऑयली स्किन को लेके। फ्रेंड्स, तो वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो सबसे पहले टिप नंबर 1 बताती हूँ मैं आपको कि आपको अपने स्किन के ऊपर क्या अप्लाई करना चाहिए समर्स में। गाइस, टिप नंबर 1 है, अगर आप गर्मियों के मौसम में यानी कि समर्स में आप मेकअप करना पसंद करती हैं तो आप मेकअप थोड़ा कम कीजिए समर्स में, क्योंकि आपका जो स्किन है वो पहले से ऑयली है। तो आप ज्यादा हैवी फाउंडेशन यूज मत कीजिए, ना ही कोई ज्यादा हैवी सा मॉइस्चराइजर लोशन वगैरह यूज कीजिए, आप ये सब अवॉइड कीजिए और एक सिलिकॉन बेस का क्रीम यूज कीजिए, तो आपके स्किन पर वो टिका रहेगा और आपका जो मेकअप है वो बाय बाय कभी नहीं बोलेगा। तो आप सिलिकॉन बेस का क्रीम यूज कीजिए। मैं आपको स्क्रीन पे एक क्रीम का फोटो वगैरह, इमेज वगैरह डाल दूंगी या फिर नाम वगैरह डाल दूंगी, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, यू नो, थोड़ा सा कि मैं कौन सा यूज करूं। तो ऑयली स्किन वाले हमेशा सिलिकॉन बेस का क्रीम ही यूज करें, ज्यादा फाउंडेशन, मॉइस्चराइजर तो ये वो आपको यूज नहीं करना है। आप जितना हो सके उतना कम प्रोडक्ट अपने स्किन के ऊपर यूज कीजिए। तो गाइज, ये है मेरा टिप नंबर 1। गाइज, टिप नंबर 2 में मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो सबको पता होगा, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा तो ठीक है, जिसको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए है टोनर। जैसे कि गाइस, आप जैसे कि हम फेस वॉश करते हैं तो हम टोनर लगाते हैं अपने फेस पे, तो जैसे कि आपका जो स्किन है वो ऑयली लगा तो आप एक वाइप्स लीजिए, टोनर वाला वाइप्स लीजिए और आप अपने स्किन पे टोनर वाइप्स यूज कर लीजिए। ऐसे में आपका क्या होगा, आपका जो स्किन के जो पोर्स है वो ज्यादा खुलेंगे नहीं और आपके स्किन से ज्यादा ऑयल नहीं निकलेगा। तो आप टोनर का, जब भी आपका स्किन ऑयली लगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, आप टोनर वाइप्स लीजिए और उसे अच्छे से वाइप्स कर लीजिए, आपके जो पोर्स हैं वो ज्यादा खुलेंगे भी नहीं और आपकी स्किन से ऑयल निकलेगा भी नहीं। तो गाइज, ये था मेरा टिप नंबर 2। गाइज, ऑयली स्किन वाले जो हैं वो ज्यादा स्क्रब ना करें। अगर आप ज्यादा स्क्रब करेंगे तो आपके पोर्स और ज्यादा खुल जाएंगे और पोर्स खुलने के बाद उसपे और ऑयल निकलेगा। कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम स्क्रब करेंगे तो हमारा जो स्किन का ऑयल है वो नहीं निकलेगा, या फिर कोई कोई लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा स्क्रब करते हैं, हफ्ते में 2-2, 3-3, या फिर कोई कोई लोग तो ऐसे है, महानता दिखाते रहते हैं कि वो डेली स्क्रब करते हैं। आपको महीने में 1-2 बार करना है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके स्किन को स्क्रब की जरूरत है तो आप महीने में कम से कम 3 बार कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप स्क्रब मत कीजिएगा। आप जितना ज्यादा स्क्रब करेंगे ऑयल उतना ज्यादा आपके स्किन से निकलेगा, इसलिए आपको बहुत ही मतलब मिनिमम आपको स्क्रब करना है, कम से कम महीने में 2-3 बार, इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये है गाइस मेरा टिप नंबर 3। गाइस, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि समर्स में हम जितना ज्यादा अपने फेस को वॉश करेंगे उतना ज्यादा हमारे स्किन से ऑयल नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना बार फेस वॉश करोगे उतना ज्यादा ऑयल नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कम से कम 1 दिन में 2 बार ही अपना फेस वॉश कीजिए, इससे ज्यादा बिल्कुल ही मत कीजिएगा। और अगर आपको जरूरत पड़ रहा है फेस वॉश करने का तो आप नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कीजिए, और एक फेस वॉश से आप एक मॉर्निंग में फेस वॉश कीजिए और एक नाइट में फेस वॉश कीजिए। आप सिर्फ दिन में कम से कम 2 ही बार आप फेस वॉश कीजिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी फेस वॉश मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप फेस वॉश करेंगे तो आपके स्किन में जो ऑयल है वो हट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा फेस वॉश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो ये है मेरा टिप नंबर 4। लास्ट टिप्स है मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, इसलिए मैं लास्ट पे इस पे रखी हूँ। तो अब है सनस्क्रीन की बारी आती है, तो आप कौन सा सनस्क्रीन यूज करें अगर आपका ऑयली स्किन है तो।
मैं आपको करके भी बताती गाइस, लेकिन मेरा जो स्किन है वो ड्राई है, बहुत ज्यादा ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई है, तो मैं आपको कुछ इस पे हेल्प नहीं कर सकती। हाँ मैं आपको टिप्स जरूर दे सकती हूँ ऑयली स्किन के लिए। तो जैसे कि हम गर्मियों के मौसम में, समर्स में हम सनस्क्रीन लगाते ही हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप वाटर बेस का जो सनस्क्रीन आता है आप उसे ही यूज कीजिए। आपके चेहरे का ऑयल का प्रोडक्शन को कम करेगा और आपका जो स्किन है वो चिपचिपा भी नहीं लगेगा, इसलिए आप वाटर बेस का सनस्क्रीन ही लगाइए। बहुत ही आपका स्किन है वो सेट रहेगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं रहेगा और आपके स्किन से ऑयल ज्यादा नहीं निकलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं गाइस। तो ये है मेरा टिप्स नंबर 5। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया अपडेट वीडियो है अब तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, धन्यवाद।